मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के खोज से पहले ऐसा माना जाता था कि स्वास्थ्य शरीर के अंदर स्थित डिफरेंट ट्यूमर्स, जो कि तरल पदार्थ जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एवं फ्लेगम के उसके संतुलन पर आधारित था। ब्लैक बाइल वाले व्यक्तित्व को जिसको माना जाता था कि बुखार होता था, ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में जब विलियम हार्वे द्वारा ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया गया और ये दर्शाया गया कि ब्लैक बाइल्स वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी समान बुखार या जिसको रहता है। और जो स्वास्थ्य हेल्थ को इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, माने कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य ये तीनों ही पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी हम उसे स्वस्थ मानेंगे, और नहीं तो फिर उसे डिजीज है या रोग है। रोग को दो भाग में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस यानी कि असंक्रामक। संक्रामक बीमारी और इन्फेक्शियस बीमारी जो कि आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि कॉमन फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड एंड एड्स में भी इट इज, यह भी इन्फेक्शियस है जो कि बहुत ही घातक होता है। अब जो कि ये डिफरेंट पैथोजेंस है या रोग वा रोग जनक जिससे रोग पैदा होता है, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, हेलमेंथ, डिफरेंट फंजाइज, अधिकतर पैरासाइट्स पैथोजेंस होता है। पैरासाइट्स पैथोजेंस होता है क्योंकि ये होस्ट में रह करके उसे हानि या क्षति पहुंचाती है। ये डिफरेंट पैथोजेंस है जो कि हमारे शरीर में डिफरेंट सोर्स के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जैसे नोज, माउथ, स्किन एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इन इसके थ्रू हमारे शरीर में पैथोजेंस जा सकते हैं। पैथोजेंस और दीज आर पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड हेलमिंट्स, ये सब डिफरेंट पैथोजेंस हैं जो कि रोग उत्पन्न करने में सहायक हैं। दिस इज सलमोनेला टाइफी, इसके द्वारा ही टाइफाइड फीवर का होता है, जो कि सबसे पहले इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और वहाँ से शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। एक केस आया था जो कि बहुत कॉमन था, टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता था, जो कि एक कुक थी, इन्होंने जो कि हेल्दी कैरियर थी टाइफाइड के, और जो कि टाइफाइड के दो डिफरेंट सिम्टम्स हैं, लक्षण है हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन और पेट में दर्द, कंस्टिपेशन, कब्ज, हेडेक यानी कि सिर दर्द और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना, ये सब टाइफाइड बुखार के लक्षण हैं, जो कि हम विडल टेस्ट के द्वारा इसे हम जान सकते हैं या इसकी पुष्टि की जा सकती है। कॉम्प्लिकेटेड केस में ये इंटेस्टाइन को प्रोफोरेट करता है, छेद करता है और सीरियस केस में मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है कॉमन जो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया का कारण बनता है, निमोनिया रोग फैलाता है जो कि लंग्स के अल्वियोलाई को इफेक्ट करता है, जिसके चलते उसमें तरल पदार्थ या फ्लूइड भर जाता है अल्वियोलाई में। और इसके सिम्टम्स या लक्षण है फीवर, चिल्स यानी टिठुरन, कफ एंड हेडेक, ये सब इसके डिफरेंट सिम्टम्स और लक्षण होता है। सीरियस केस में ये इसका जो लिप्स होता है ब्लू, ग्रे से ब्लू हो जाता है और नाखून भी ग्रे से ब्लू हो जाता है। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि शेयर करने से, एक दूसरे से बर्तन या ग्लास, जैसे इन्होंने दूसरे आया और दूसरे ने फिर आकर के दोबारा से पानी पिया तो फिर उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और कंटामिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित संदूषित भोजन और पानी के संक्रमण से दिस निमोनिया डिजीज
फैल सकता है और एक दूसरे में फैल सकता है, जैसे एक बंदे को हुआ फिर दूसरे से फैल करके तीसरे को पहुंच गया। ये दिस बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइप फीट जो कि टाइफॉइड का कारण बनता है। अब दूसरे पैथोजेंस वायरस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वायरस के जो द्वारा राइनो वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड या साधारण जुकाम फैलता है जो कि काफ़ी कॉमन है और अक्सर हम लोग दिस कॉमन कोल्ड या फ्लू और दिस कॉमन कोल्ड से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं जो कि राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज को इफेक्ट करता है बट ये ढुलाई को या लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। इसके सिम्टम्स है नेजल कंजेशंस, नेजल डिस्चार्ज, शोर थ्रोट यानी कि गला में दर्द, हेडेक और होर्सनेस जैसे गला फटाफट आवाज़ आना है, वो सब है इसके कॉमन सिम्टम्स है इस कॉमन कोल्ड का। ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम लोग खांसते हैं छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल निकलता है जो कि जैसे इसने व्यक्ति ने छींका, ये मतलब कि आदमी है भूत नहीं है समझ लीजिए, और इससे फैल करके दूसरे में फिर तीसरे में पहुंच गया। और या तो ट्रेन को भी शेयर करते हैं, बुक शेयर कर रहे हैं या फिर डोर नोब से या दिस कीबोर्ड से भी हो सकता है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैला था अभी रिसेंट पे COVID-19 में, वो भी वायरस के द्वारा फैलता है। अब हम चर्चा करेंगे हेलमिंथ जो कि एस्कैरिस और विचेरिया दो है हेलमिंथ। ये एस्कैरिस के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि एस्कैरियासिस डिजीज या रोग का कारण बनता है जो कि इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके लक्षण हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनेमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। ये काफ़ी जो क्रीमी है राउंड वर्म होता है जो कि इसके वाहक होते हैं ये मक्खियाँ जो कि फीसेस यानी कि मलमूत्र से एक्सरे लेकर के दूसरे जगह खाना और पानी को प्रदूषित कर देता है। हम लोग अगर दिस कंटामिनेटेड फूड और या वाटर को लेते हैं तो फिर ये हमारे शरीर में आ जाता है। बचपन में हम लोग कई बार पीड़ित भी हो सके हैं इससे एस्कैरियासिस से। राउंड वर्ड की संख्या लेंथ 6 से 8 फीट तक हो सकती है। नेक्स्ट है फैलेरिया, ये कि उचेरेरिया हेलमिंथ के द्वारा फैलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से डिफॉर्मिटी हो गया है जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है धीरे धीरे, ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है और लोअर लिम्स और जेनिटल ऑर्गन्स को भी डिफॉर्म कर देते हैं। बचपन में एक भिखारी आता था जो कि फैलेरिया से ग्रसित था, हम लोग काफ़ी डर जाते थे उसके पाँव हाथी पाँव और उसको देख करके फैलेरिया, और उसे हाथी पाँव भी बोलते हैं या है एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। इसके वाहक हैं मच्छर एनोफिलेज, फीमेल एनोफिलेज के द्वारा फैलता है एक शरीर एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये डिफरेंट पैथोजेंस है। अब हम फंजाई के बारे में देखेंगे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ईपी डर्मोफाइटॉन्स, ये हमें रिंग वर्म्स या दांत खाद खुजली पैदा करता है जो कि सर में, स्कॉल्प में, नाखून में, ग्रोइंस में इत्यादि स्थानों पर फैल सकता है। ये फंजाई होता है जो कि दो उंगलियों के बीच में भी फैल जाता है कई बार बीमारी, और काफ़ी इसमें खुजली मतलब तेज खुजली होती है कई बार। ये रिंग वर्म अगर आप दूसरे से टॉवल शेयर कर रहे हैं, कॉम शेयर कर रहे हैं, क्लोथ शेयर कर रहे हैं, कंघी कभी, क्योंकि उसके तुरंत इन्फेक्शन फैल जाता है रिंग वर्म्स और यह कि फंजाई होता है। पैथोजन काउजिंग इन्फेक्शियस डिजीज, ये सब पैथोजेंस हैं जो कि हमें रोग फैलाते हैं। जैसे नाउ डिस्कस द मलेरिया, ये कि बहुत ही कॉमन है और काफ़ी सालों से संसार के लोग इससे लड़ते आए हैं। 40% ऑफ द वर्ल्ड इफेक्टेड, तो इससे इफेक्टेड होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
मलेरिया किल्स ए चाइल्ड एवरी 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड में एक बच्चे को मार देता है मलेरिया, पहले के जैसा कहा जाता था। एंड 300 से 500 मिलियन केसेस एवरी ईयर ऑफ मलेरिया, इतना है मतलब ज्यादा है मलेरिया। और होने पर इसमें भी मेलेडेंट मलेरिया काफ़ी सीरियस होता है, जो कि प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ है उसके द्वारा फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम हेवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम्स के द्वारा फैलता है। एंड मेलेग्रेट मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम्स के द्वारा होता है। दिस इज सो सीरियस, मतलब इसके द्वारा मेलेग्रेट मलेरिया फैलता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है और ये कभी कभी जान भी ले लेता है। ये फीमेल मॉस्किटो एनोफेलिज मॉस्किटो द्वारा फैलता है। जब फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होता है अगर काटता शरीर में, तो वो साथ साथ अस्पोरोजोइट्स जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम का, वो शरीर में दे देता है और ब्लड के थ्रू लीवर सेल्स में पहुंचता है। वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मीरोजोइट्स का निर्माण होता है, तो फिर वहाँ से फिर वो आरबीसी ब्लड के आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, जो कि आरबीसी में रप्चर पैदा करता है, जिससे हीमोजोइंट्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस है पदार्थ है का निर्माण होता है। जैसे आरबीसी रप्चर हो गया यहाँ पे, इसके द्वारा हीमोजोइंट्स निकलेगा, जो कि ठिठुरन चील्स और फीवर्स हर फ्रीक्वेंट मतलब 3 से 4 दिन पे आते रहता है, तेज बुखार और ठिठुरन, जिसके चलते ये हीमोजोइंट्स निकलता है आरबीसी के रप्चर के थ्रू। और फिर आरबीसी से दिस मेल गैमोसाइट्स और फीमेल गैमोसाइट्स ये बनते हैं, जो कि मच्छर जब हम काटता है उससे शरीर को, तो वो जो गैमोसाइट्स है वो फीमेल एनोफिलेज के गट में चला जाता है, वहाँ वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अस्पोरोजोइट्स का निर्माण करता है गट्स में। वो फिर वहाँ से गट्स से लेकर के पहुँच जाता है सेलेब्रिक ग्लैंड में, वहाँ पे स्टोर रहता है। और जब फिर वो फिर दूसरे मनुष्य को काटता है, ये मच्छर काटती मतलब फीमेल है, तो अस्पोरोजोइट्स उसके शरीर में चला जाता है और फिर ये साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है। इस तरह से लीवर सेल्स और आरबीसी को इफेक्ट करता है, मतलब दो होस्ट इसके रहते हैं, ह्यूमन होस्ट जहाँ की आरबी लीवर और ब्लड में आरबीसी में, और फिर वहाँ से एक फीमेल एक सेक्सुअल फेज है इसमें, और फिर सेक्सुअल फेज जो कि फीमेल में होता है फीमेल एनोफेलिज में, जो कि रोग का वाहक का भी काम करता है। ये फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो है जो कि वेक्टर का भी काम करता है, जो कि मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में मनुष्य में फैलाने का काम करता है। अब हम देखें इंटरमीबा हिस्टोलिट का, ये भी एक प्रोटोजोआ है, जो कि जैसे बचपन में होता था आँव पड़ना या सूल पड़ना होता था, वो दिस इज एमोबियोसिस और एमोबिक डिसेंट्री, इंटरमीबा हिस्टोलिट का प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ये मल के द्वारा जैसे इसको ले जा करके एग्स को दूसरे फल फ्रूट्स उस पर बैठ गया मच्छर मक्खी, और फिर उस फूड को कंटामिनेट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, संदूषित कर दिया। इसके लिए पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्वच्छ रख सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम पहले ज़रूरी है इलाज से, इलाज तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, अगर हम अच्छे से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सो पर्सनल हाइजीन में हम अपना शरीर का स्वस्थ रखना, खाना पानी मतलब पानी स्वस्थ पीना और खाना स्वस्थ रखना, पब्लिक हाइजीन में जो भी कचरे हैं या जो स्टोर नहीं होना देना है पानी, या उसमें कीटाणुनाशक का छिड़काव भी किया जाता है कई बार, ये सारे पब्लिक हाइजेंस में आते हैं। और कई बार गैम्बोसिया मछली होता है उसका भी छिड़काव करते हैं, ताकि वो ये जैसे टाइफाइड एमेबियोसिस एस्कैरियसिस ये सब बीमारी है, तो इसमें हम अगर हाउस फ्लाई मॉस्किटो ये सब को
रोक सकते हैं, जैसे नेट लगा कर मच्छरदानी या फिर खिड़कियाँ दरवाजों में नेट का प्रयोग किया सकता है। माउस मॉस्किटो हाउस फ्लाई वाटर कूलर को भी रेगुलर साफ करने की ज़रूरत है ताकि उसमें मच्छर का लार्वा डेवलप ना कर सके और उसको रोका जा सकता है। जैसे कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस डायग्राम से ताकि मच्छर, ये है गंबोसिया, एक फिश होता है जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाता है। तो कहीं भी अगर पानी अधिक दिनों तक जमा है तो उसमें उसका डाल दिया जाता है उस मछली को ताकि उसको ख़त्म कर सके। मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज करते हैं जैसे मच्छर मर सके, या जाली दरवाजे और खिड़कियों में जो जाली लगाता है वायर मेस और विंडो ऑन विंडोज एंड डोर्स ताकि मच्छर हमारे घर के अंदर न रहे और हम उससे कई तरह के जो संक्रामक बीमारी है उससे बचा जा सकता है। एडिस मॉस्किटो के द्वारा चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है, ये भी फीमेल एडिस मॉस्किटो है उसको भी उसके द्वारा फैलता है चिकनगुनिया और डेंगू। निमोनिया, कॉमन कोल्ड ये सब, या कोरोना वायरस, ये सब एयरबोर्न डिजीज है कोरोना COVID-19 जो कि टॉवल के शेयर करने से मतलब कई तरह से फैल सकते हैं। स्मॉल पॉक्स और कई तरह की बीमारी जैसे डिप्थेरिया, पोलियो, निमोनिया, टिटनस, ये सब के वैक्सीन आ चुके हैं और जिसके प्रयोग से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सका है। एंड डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का भी आविष्कार होने से हमें कई तरह के संक्रामक बीमारियों, इन्फेक्शन डिजीज से लड़ने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और जैसे प्लाज्मोडियम जो कि फैला रहा है मलेरिया एंड हिस्टोलिट का एमोबियोसिस, ये दोनों ही प्रोटोजोआ है। सो वैक्सीन और डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में ये सब हमें इस रोग से लड़ने में सहायक है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।